नमस्ते एवरीवन, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो नवरात्रि से रिलेटेड है। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। एंड लास्ट ईयर इसी टाइम पे मैं वैष्णो देवी गई थी। मैंने एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस भी लिए थे उस टाइम पे, पर किसी कारणवश मैं नहीं डाल पाई वो वीडियो। सो इसलिए मैंने आज सोचा कि अभी नवरात्रि है, आई एम श्योर बहुत लोग प्लानिंग कर रहे हैं वैष्णो देवी जाने के लिए, तो मैं एक छोटा सा क्लिप आप सबके लिए डालने की कोशिश कर रही हूँ। और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ डूज और डोंट्स बताऊँगी जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे वहाँ जाने के लिए। क्योंकि कुछ चीज़ें थे जो मुझे अगर पहले पता होते तो उतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती थी, बट देन या अभी जो हो गया सो हो गया। बट या अच्छी तरह से दर्शन हुआ, नो डाउट। पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी एकदम सीमलेसली जाए, दर्शन करें एंड माता रानी का आशीर्वाद लें। तो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस वीडियो, एंड तक देखिएगा। लाइक आई सेड, आई विल बी टेलिंग यू सम डूज एंड डोंट्स अबाउट इट। बाय। I just reached the main gate of Vaishno Devi. I just got few stuff, chunri and few prasads, and just be working now. I just got done with my security check. Bags were and now I'm heading ahead. So I just reached the first temple, which is called Charan Paduka. So 2 hours since I've been walking. Started off at 3 and it's 5 now, and I'm completely drenched in sweat. My clothes are all wet. I can't. I honestly haven't even eaten anything, so I don't know how long, but it's still fine. I'm going to show you. So almost reaching the temple. Checkpoint, and there's this long queue. I don't know what for. So
this queue is basically for some battery rickshaw. You are supposed to take the ticket for it and they'll, I think, drop you there. But I'm willing to walk, so I'm not standing in the queue. So it's 6:30, it's almost 6:40 now, it's almost dark. It's been almost 4 hours since I've been walking and still not reached. A little down on energy, but motivating myself. Alright guys, so वो था मेरा जर्नी फ्रॉम पुणे टू वैष्णो देवी. बट मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगी अगर आप प्लान कर रहे हैं वैष्णो देवी जाने का, स्पेशली ड्यूरिंग द नवरात्रीज. क्योंकि मैं गई थी क्योंकि आई फील कि कुछ प्रोसीजर्स हैं जो नवरात्रि के टाइम अलग हैं वहाँ पे और ऑन अदर डेज इट्स डिफरेंट. ओके, सो आई विल हेल्प यू दैट वे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एज यू ऑल नो आई स्टे इन पुणे. तो मैं जब पुणे से जम्मू के लिए प्लान कर रही थी और मे बी वैष्णो देवी के लिए प्लान कर रही थी, तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने पुणे से फ्लाइट लिया टू जम्मू एंड देन फिर जम्मू से मुझे कतरा जाना पड़ा. सो फॉर पीपल हु डोंट नो, वैष्णो देवी इज़ नॉट एग्जैक्टली इन जम्मू. जम्मू इट इज़ ऑलमोस्ट 2 to 3 hours अवे फ्रॉम जम्मू, विच इज़ दैट एरिया इज़ नेम इज़ कॉल्ड कतरा. तो मैंने फ्लाइट लिया एंड देन आई रीच जम्मू एंड देन आई टुक बस, जिसने मेरे को ऑलमोस्ट अराउंड 2 to 3 hours में मेन रोड तक छोड़ दिया था. फिर मैंने वहाँ से ऑटो लिया एंड देन आई रीच टू माई होटल. ओके, दैट इज़ वन वे. द अदर वे यू कैन डू इज़ इफ़ यू कैन रीच टू दिल्ली सम हाउ. यू नो, अगर आप दिल्ली में हैं तो वेल एंड गुड, बट इफ़ यू आर नॉट इन दिल्ली, इफ़ यू कैन ट्रैवल टू दिल्ली वाया ट्रेन और यू नो वाया रोड, लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू अ चीपर ऑप्शन, तो फिर दिल्ली से इट्स जस्ट अबाउट 6 to 7 hours. तो बेसिकली आप शाम को चढ़ो ट्रेन में और सुबह आप जम्मू पहुँच जाते हैं. एंड देन एज आई सेड, आप या तो बस ले सकते हैं या तो फिर आप कोई यू नो कैब बुक करके एंड देन यू कैन गो टू कतरा. ओके, आई बिलीव देर इज़ सम ट्रेन एज वेल, पर मैंने वो ऑप्शन चूज़ नहीं किया, आई वॉज़न्ट अवेयर ऑफ इट. बट अगर है तो प्लीज़ डू लेट मी नो. यू नो, नेक्स्ट टाइम अगर मैं प्लान करूँ तो इट बी ईजियर फॉर मी. डू मैंशन इट ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड इट विल रियली हेल्प. सो या दैट्स हाउ आई रीच्ड कतरा.
आई चेक इन टू माई होटल, आई गॉट फ्रेशन अप, चेंज किया एंड देन अराउंड 2:33 इन द आफ्टरनून आई लेफ्ट फॉर वैष्णो देवी. ओके, जब मैं निकली तो वैष्णो देवी के लिए ना एक RFID कार्ड लगता है. ओके, इफ यू डोंट नो, वो कार्ड के बगैर आप एंटर नहीं कर सकते हैं टेम्पल में. तो वो मुझे मिला था एक यू नो देर इज दिस कतरा बस स्टैंड, वहाँ पे आपको एक यू नो एक ऑफिस टाइप मिलेगा, यू हैव टू गेट इन द क्यू एंड देन फिर वहाँ से आप वो कार्ड ले सकते हैं. नाउ जब मैं गई थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो जगह खाली थी. ओके, आई जस्ट वेंट एंड आई गॉट माई RFID कार्ड. बट ऑन अ नॉर्मल डेज मैंने सुना है कि वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगती है और काफ़ी लंबी लाइन लगती है. ठीक है, मैंने बहुत लोगों को ना अलग से एक यू नो मल्टीपल जगह पे टिकट्स देते हुए देखा. वो पता नहीं क्यों था बट वो उसकी लाइन काफ़ी लंबी थी. जब मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि वो टिकट के लिए है टू एंटर द टेम्पल, बट यू कैन टेक द RFID कार्ड एंड यू कैन गो इमिजिएटली. तो फिर जो ऑटो वाले जो भैया थे उन्होंने मेरे को वहाँ लेके गए एंड देन आई टुक द RFID कार्ड एंड वी लेफ्ट. ओके नाउ, ओके ये सो व्हेन आई रीच देयर, यू नो जस्ट बिफोर यू एंटर द टेम्पल और यू नो द मेन डोर ऑफ द टेम्पल, वहाँ पे ना लाइन से बहुत सारे वो प्रसाद बेचने के लिए यू नो वो सब चीज़ें रखे हुए रहते हैं. नाउ दीज ऑटो पीपल, यू नो द ड्राइवर्स एंड दोज शॉपकीपर्स हैव अ टाई अप और समथिंग, सो दे विल ट्राई एंड कन्विंस यू टू बाई स्टफ फ्रॉम देम. ओके, मैं बेवकूफ़, मैंने उनकी बात सुनी और आई टुक द स्टफ एंड देन आई लेफ्ट. ओके, नाउ आई हैव दैट थिंग इन माई हैंड द होल टाइम. ठीक है, मैं वो लेके चले जा रही हूँ. मैं जब अंदर गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे कंटिन्यूसली लाइक लाइन में भरे पड़े हैं वैसे शॉप्स. तो आप जब तक टेम्पल तक, एक्चुअल टेम्पल या यू नो वो गुफा तक पहुँचे, तब तक आपको इतने सारे मिल जाएंगे कि आप कहीं पे भी खरीद सकते हैं. तो वो इनिशियली आप खरीद के अगर जाएंगे ना, वो आपको भारी उठा के लेके जाना पड़े, तो वो इतनी भारी नहीं होती है, बट क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है एंड यू काइंड ऑफ स्वेट, तो वो एक चीज़ कैरी करने के लिए भी आपको ऐसा लगेगा कि यार आई विश आई हैड अ बैग और यू नो मैं अभी नहीं देती, या वो चीज़ हो जाता है. तो वो चीज़ थी, तो जस्ट मेक श्योर कि आप वो चीज़ें थोड़ा अंदर जाके यू नो जब टेम्पल पास में हो तब जाके ले तो बेहतर होगा. दूसरी चीज़ है वो RFID जो कार्ड है वो लेने के बाद, एज सून एज यू एंटर द मेन गेट ऑफ द टेम्पल, देर इज़ अ सिक्योरिटी चेक. अब ये सिक्योरिटी चेक इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग यू नो पी के आते हैं एंड यू नो दे हैव कुछ वो सिगरेट्स पैकेट रहते हैं या यू नो वो सारी चीज़ें जो होते हैं वो प्रॉपर सिक्योरिटी चेक होता है एंड देन यू पास थ्रू इट. अगर वहाँ पे पास हो गए देन यू एंटर द टेम्पल और एंटर और यू स्टार्ट वॉकिंग. सो वो चीज़ हुआ, सिक्योरिटी चेक कंप्लीट हुआ एंड देन आई स्टार्टेड वॉकिंग. इनिशियली मैं इतना इन्जॉय कर रही थी ऑनेस्टली, मैं चलती गई यू नो देयर वाज दिस लाइक, थोड़ा सा चलने के बाद मैंने अपने राइट साइड पे देखा, एक रिवर टाइप था, वहाँ पे बहुत सारे लोग नहा रहे थे. ठीक है, तो वहाँ पे यू नो दे बिलीव कि अगर वहाँ पे डुबकी लगाओ तो आपके पाप टूट जाएंगे या ऐसा कुछ था, लेकिन ऑब्वियसली मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं यू नो यू जाके डुबकी लगा सकूँ. सो आई कंटिन्यूड माई वॉक. ओके नाउ मुझे ऐसा था कि मैं शायद यू नो कुछ घंटे में पहुँच जाऊँगी, तो मैं इतना कंफर्टेबल हो गई थी. बट देन आई स्टार्टेड वॉकिंग. ओके, देन आई रियलाइज कि मेरी सांस फूल रही है. ठीक है, मेरे जो कपड़े हैं वो पूरे गीले हो गए थे. व्हेन आई एम सेइंग गीले, ऐसा लग रहा था कि मैंने कहीं से पानी में वो कपड़ा भिगोया है और वहाँ वो टपक रहे हैं, लाइक इतना भीग गया था. ठीक है, दो मैंने वो जो कुर्ती पहनी थी वो बहुत लाइट वेट है. ठीक है, बहुत लाइट वेट है और वो क्विक ड्राई भी हो जाता है. तो वो पहना था और मैंने नीचे ट्रैक पैंट पहना था एंड देन आई वॉर माई ट्रैकिंग शूज़. ओके,
दैट रियली हेल्प गाइस, दैट रियली हेल्प, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, लोग ना वो चप्पल वप्पल पहन के जा रहे थे, यू नो इनफैक्ट मैं औरतों को देख रही थी वो साड़ी वाड़ी पहन के, यू नो दे वर वॉकिंग एंड ऑल, आई वाज शॉक्ड ओके हाउ दे वर वॉकिंग. बट ट्रस्ट मी, आई फील कि अगर आप लाइट वेट कपड़े पहनते हैं, यू नो थोड़े कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं, यू वॉक इन अ शूज यू नो विच इज़ मोर कंफर्टेबल, जिससे आपको यू नो कोई भी पाँव में तकलीफ नहीं हो, दैल बी मच मच बेटर. सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि आप ऐसे कंफर्टेबल शूज़ और कंफर्टेबल कपड़े पहन के फिर चले. दूसरी चीज़, यू गेट स्टिक्स ओके, द सपोर्ट स्टिक्स. मैंने नहीं लिया था बट आई सॉ लॉट ऑफ पीपल टेकिंग दैट स्टिक एंड उसके सपोर्ट से वो चल रहे थे एंड आई फील दैट रियली रियली हेल्प्स. क्योंकि जब मैं ट्रैकिंग के लिए जा गई थी, आई रिमेम्बर बहुत सारी जगहों पे मैं अटक जाती थी, तो आई यूज टू यू नो टेक द सपोर्ट ऑफ द स्टिक एंड देन वॉक. बट आई डेंट हैव दैट एंड आई फील्ट लाइक यू नो आई कैन डू इट विदाउट द स्टिक, सो आई वॉक. बट इफ यू आर प्लानिंग टू, जस्ट मेक श्योर इफ यू कैन कैरी वन स्टिक विथ यू एंड यू नो वॉक थ्रू इट, इट रियली हेल्प्स ओके. सेकेंड थिंग, मैंने एक्चुअली बहुत बड़ी गलती करी थी कि मैंने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था. वैसे ना कुछ पिया था, मैंने पानी भी नहीं पिया था. मैं इतना यू नो वो एक एंथुजियास्ट के साथ एंथुजियास्टिक थी कि मैं यू नो मैं विदाउट खाए पिए करूँगी, यू नो भगवान की भक्ति करूँगी. एंड ट्रस्ट मी, दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक ओके. कैरी अ वाटर बॉटल ओके. इफ यू कांट कैरी, प्लीज़ गेट सम वाटर व्हाइल यू आर वॉकिंग ओके. पानी पियो, हाइड्रेट रहो, प्लीज़ मेक श्योर यू ईट समथिंग. यू नो वो जो पूरा रास्ता है टू द वैष्णो देवी टेम्पल, आपको कईयों जगह पे ना खाने के लिए चीज़ें मिलेंगी ठीक है, एंड वेरी अफोर्डेबल प्राइस. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मनी एट ऑल. सो यू कैन जस्ट बाय दैट फूड एंड यू नो बाय वाटर बॉटल, कीप ईटिंग, कीप हाइड्रेटिंग योर सेल्फ एंड देन वॉक. आई थिंक दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक इन दैट ट्रिप. आई डिडंट ड्रिंक वाटर और हैड एनीथिंग, मतलब मैंने मुँह में कुछ भी नहीं डाला था ओके. तो वो गलती मत कीजिएगा, प्लीज़ मेक श्योर यू ईट एंड ड्रिंक यू नो एंड देन यू वॉक, बिकॉज यू नीड एनर्जी गाइज, यू रियली नीड एनर्जी. सो मेक श्योर यू डू दैट. दूसरा ये है कि मंदिर जाने के लिए ना देयर आर टू वेज, एक नया रास्ता है एक पुराना रास्ता है ठीक है. नए रास्ते में थोड़े उतार चढ़ाव है, लेकिन इट्स अ शॉर्टर डिस्टेंस ओके. एंड देयर इज दिस ओल्ड वन जो कि बहुत स्टीप है ओके, इट्स वेरी स्टीप एंड इट टेक्स लॉन्गर टाइम ठीक है. मेरे को जोश था, मैंने बोला कि मैं पुराने रास्ते से चलूँगी, बिकॉज दैट इज़ द एक्चुअल रोड, जो पुराना रोड है वो एक्चुअल रोड है. तो आई रियली वॉन्टेड टू गो थ्रू दैट रोड, तो मैंने ओल्ड रास्ता चुना और वो एकदम स्टीप ऊपर देन फिर एकदम नीचे एंड यू नो इट वॉज डिफिकल्ट. बट इट्स अप टू यू, विच एवर यू फील यू नो इज़ कन्वीनियंट फॉर यू, यू कैन चूज दैट वन एंड देन गो ओके. अब जाने के लिए देर आर मल्टीपल वेज ओके. इधर यू कैन वॉक ठीक है, आप चल के जाएंगे आप कुछ घंटे में, लाइक यू नो कुछ कुछ लोग तो आई हैव सीन कि यू नो काफ़ी दिन वहाँ पे रहते हैं एंड देन धीरे धीरे चल के फिर जाते हैं. तो आप वैसे कर सकते हैं या फिर यू नो वहाँ पे खच्चर होते हैं तो यू कैन गेट ऑन खच्चर. आई डोंट बिलीव इन यू नो हायरिंग अ खच्चर, बिकॉज एनिमल को यू नो इतनी तकलीफ दे के हम मंदिर तक पहुँचेंगे, इट्स नॉट वर्थ इट. सो आई एम रियली नॉट इन फेवर ऑफ दैट, बट दैट इज़ वन ऑप्शन देयर. द अदर ऑप्शन इज़ मैन कार्ट. वेन आई से मैन कार्ट, जैसे आपने केदारनाथ साइड देखा होगा कि वो पीछे से यू नो लटका के एंड देन यू दे टेक यू अप. वहाँ पे एक इंसान नहीं करता है, देयर इज़ लाइक अ होल कार्ट, जैसे वो डोली जाती है ना वैसे
डोली टाइप रहती है एंड देर आर टू पीपल इन फ्रंट एंड टू पीपल बिहाइंड विल कैरी यू एंड देन टेक यू अप. ओके सो दैट इज़ अनदर. एंड ऑब्वियसली देर आर हेलीकॉप्टर्स एंड ऑल सो पीपल हु हैव मनी एंड यू नो वॉन्ट टू जस्ट गो बाय हेलीकॉप्टर रीच देर यू कैन डू दैट. बट आई डोंट रियली सी मच पीपल गोइंग थ्रू दैट. बट या दैट इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस. ठीक है नाउ टॉकिंग अबाउट प्राइसेस. ओके खच्चर जो रखते हैं या यू नो देयर प्राइसेस आर रियली हाई गाइस लाइक रियली हाई. एक आदमी का वो लोग अराउंड 3-4 हज़ार लेते हैं. ठीक है जस्ट वन वे आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो एंड इफ़ यू थिंक दैट यू कॉन्ट वॉक ठीक है आपसे चलने नहीं होएगा यू रियली नीड हेल्प प्लीज़ कैरी कैश विथ यू. ओके व्हेन आई से कैश लाइक आई से 3-4 हज़ार वन वे 3-4 हज़ार नीचे आने का तो आप 10 हज़ार पकड़ के चलो कि आपके पास एक आदमी के लिए उतने पैसे होने चाहिए. ठीक है दैट इज़ ओनली इफ़ यू कॉन्ट वॉक. इफ़ यू कैन वॉक वेल एंड गुड गाइज बिकॉज अपनी कसरत भी हो जाती है और हम यू नो अफोर्डेबल प्राइस में हम ऊपर पहुँच भी जाते हैं सो दैट्स गुड. ठीक है एंड देयर वाज वन थिंग आई फील कि मैं अकेले गई थी. ठीक है तो जब मैं अकेले गई थी मुझे ना रास्ता बहुत लंबा लगने लग गया था. एक टाइम के बाद एक टाइम यहाँ ऐसे पहुँचा कि मुझे लगा कि हाँ अब मैं यू नो टेम्पल अगर आपने वीडियो देखा हुआ है मैं मुझे लगा कि हाँ अब तो टेम्पल ऐसा नहीं था गाइज. उसके बाद भी मुझे बहुत टाइम लगा था. यू नो वो टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यार कोई फ्रेंड सर्कल होता या फैमिली होते तो शायद बातचीत करते करते जाते यू नो टाइम का पता नहीं चलता है इतना. बट देन इफ यू आर गोइंग अलोन इट फील्स लाइक इट्स टेकिंग टू लॉन्ग. ओके तो जस्ट मेक श्योर कि यू हैव समबडी अ गुड कंपनी हु कैन यू नो बी विथ यू एंड देन यू कैन वॉक एंड ऑल. सो दैट इज़ द अदर थिंग. द अदर थिंग इज़ जैसे आप मंदिर के साइड जाना चालू करते हैं बिफोर दैट मेक श्योर यू हैव ऑल योर सेल फोन्स एंड ऑल यू नो बैग. इट्स नॉट अलाउड गाइस इवन इफ यू आर कैरिंग अ स्लिंग बैग नॉट अलाउड. ओके इफ यू हैव लाइक अ मनी पॉकेट थिंग नॉट अलाउड. यू नीड टू कीप दैट इन अ लॉकर. ओके वो लॉकर मंदिर से थोड़ा सा पीछे के साइड है वहाँ पे जाके आप सबमिट करें. ठीक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि अगर उनको पता चला देन इट्स गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम गाइस. क्योंकि आप क्यू में लगते हैं जैसे जैसे मंदिर के पास जाते हैं वहाँ पे सारे आर्मीज रहते हैं वो चेक करते हैं. आई थिंक आई हैड अबाउट 4-5 सिक्योरिटी चेक्स यू नो वेयर दे चेक कि सब यू नो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है कि नहीं है कुछ बैगेज है कि नहीं है. You know, obviously I couldn't take any videos over there because obviously cell phone allowed nahi hai, no videography allowed, no photography allowed. So, you know, just make sure ki aap apne bags safe pe rakhe, theek hai? Now, jitna maine suna hai ki normal days pe jo log jaate hain, theek hai, unko ticket lena padta hai to get to the temple. नाउ वो टिकट लेने के बाद ना नंबर लगता है कि एक नंबर दो नंबर तीन नंबर ऐसे करके लगता है. वो नंबर के हिसाब से आप गुफा तक पहुंचते हैं. ठीक है यूजुअली लोगों को यू नो कई बार 5 दिन लग जाता है एक हफ्ता यू नो एक हफ्ता लग गया 10 दिन लग गया किसी किसी को तो 1 महीना लग जाता है तो ऐसा रहता है. पर जब मैं गई थी ऐसा कुछ नहीं था गाइस. मैं जैसे जैसे टेम्पल के पास पहुंची तो वहाँ पे 2 अलग क्यू चल रहे थे एंड भले ही यू नो गुफा वहीं पे था लेकिन उन्होंने वो क्यू को इतना लंबा कर दिया था इधर से घुमा के उधर से घुमा के एंड यू नो लॉट ऑफ थिंग्स. तो वो क्यू में ही यू नो वो चलते चलते अंदर जाने में ही मेरे को कम से कम 3-4 घंटे लग गए थे बिकॉज दैट क्यू वॉज सो लॉन्ग गाइस literally so long. obviously I couldn't take a video inside but then it was too long. ठीक है बट एक चीज़ है आप जैसे अंदर पहुँचते हैं ना गुफा के अंदर वो आपको एटलीस्ट वो 5-10 seconds देते हैं टू लुक एट द माता रानी एंड
गेट द आशीर्वाद. ओके, दैट इज अ रियली गुड थिंग. क्योंकि जब मैं गई थी, मेरे पास वो जो चढ़ाने के लिए मैं लेके गई थी, उन्होंने वो चढ़ाया और मेरे को 10 seconds दिया. आई लुक्ड एट द यू नो देवी एंड आई टुक द ब्लेसिंग्स एंड देन आई लेफ्ट. ओके, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत टाइम पहले साई बाबा के टेम्पल पर गई थी एंड उन्होंने लिटरली मुझे नो बाबा का चेहरा तक देखने नहीं दिया. लाइक उन्होंने मेरे को ऐसे पुश कर दिया था. तो कंपेयरिंग टू दैट आई फील कि वैष्णो देवी में एटलीस्ट आपको दर्शन करने का मौका मिल जाएगा. ठीक है, एंड ऑल्सो बिकॉज इट वॉज आई फील कि नवरात्रि था एंड मैं नवमी के दिन पहुंची थी, गुफा ओपन था. ओके, तो इसी वजह से मुझे टिकट लगा नहीं. तो आई वेंट इन द क्यू एंड आई वॉज ब्लेस्ड इनफ टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ देवी. ठीक है, नाउ वंस दैट इज डन, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली. वंस यू फिनिश द दर्शन एट वैष्णो देवी टेम्पल, मेक श्योर यू गो टू वैरव टेम्पल. ओके, वैरव टेम्पल वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद थोड़ा सा और ऊपर है, तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा और चढ़ना पड़ेगा. सो वो चढ़ने के बाद यू रीच द वैरव टेम्पल, बट उसके लिए अलग से फिर एक टिकट लगता है. मैंने वो टिकट लिया था, आई थिंक मुझे अराउंड 200 के आसपास पड़ा था वो. एंड वो टिकट लेने के बाद देन आई वेंट टू द वैरव टेम्पल. वैरव टेम्पल पहुँचने के बाद मैंने दर्शन किया. वहाँ पे ना विभूति मिलती है. ठीक है, मेक श्योर यू कलेक्ट दैट विभूति, खुद भी लगाए और अपने घर वालों के लिए भी लेके आए. और वहाँ पे आपको काला धागा एंड यू नो वो सब चीज़ें मिलते हैं, तो मेक श्योर यू कलेक्ट दैट एंड ब्रिंग दैट होम. दैट इज़ हाउ यू कम्प्लीट द वैष्णो देवी दर्शन. अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हैं और आप वैरव टेम्पल यू नो दर्शन नहीं कर रहे हैं, तो वो एक आधा अधूरा सा दर्शन हो जाता है. सो मेक श्योर यू यू नो कम्प्लीट द वैरव टेम्पल दर्शन एज वेल. ओके, या सो दिस इज इट गाइज. ऐसे में मैंने दर्शन किया एंड मेरी गलती लाइक आई सेड कि मैंने खाया पिया कुछ नहीं था. मैंने दर्शन वर्शन करने के बाद यू नो एक बॉटल पानी पिया था. नेक्स्ट डे मेरे को 104 फीवर था एंड आई एम नॉट किडिंग गाइज. नेक्स्ट डे मेरे को 104 फीवर था, मेरे थाइस में रैशेज हो गए थे, आई कुडंट स्लीप ऑल नाइट. ओके, माई होल बॉडी वॉज इन पेन एंड यू नो प्लीज डोंट गो थ्रू दैट. मैं इतना वो दर्शन करने के चक्कर में यू नो लाइक इतना खुद को एग्जॉस्ट कर लिया ना मैंने. लाइक लिटरली मैंने 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर मैं ऊपर पहुँच गई थी लाइक टू द टेम्पल. ओके, एंड देन फिर ऑब्वियसली वहाँ पे जो क्यू था उसकी वजह से मुझे और एडिशनल 3-4 घंटे लग गए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को लाइक नीचे गेट से लेके ऊपर टेम्पल तक पहुँचने में मेरे को 4 से 5 घंटे लग गए थे एंड दैट इज़ आई थिंक गुड इनफ टाइम. ठीक है, लेकिन आई सजेस्ट यू कि आप थोड़ा आराम आराम से जाए, यू नो इतना हरी में मत जाए कि यार मुझे इतने में कम्प्लीट करना है. मेरी तरफ प्लीज मत गलती मत करना. मेक श्योर यू वॉक स्लोली एंड स्टीडली, कीप ईटिंग, कीप हाइड्रेटिंग योर सेल्फ एंड you know and then you go to the temple. That way at least you will be healthy and aapko wo after effects nahi rahenge jaise mujhe hua tha. To wo galti mat kijiyega. And yeah, apart from that, like I said, light clothes, good shoes, the stick that you have, please carry that and make sure you have your electronics and everything, your backpack, everything, put it in the locker before you enter the temple. Okay, yeah, I think that is it guys. I mean, if you have any further questions, if you want to ask me a question, or if you you know have anything that you want to convey to me, please drop down your message on the comment section and I'll definitely reply it to you. Yeah, happy Navratri guys. Make sure Mata Rani ko itna यू नो प्यार दे आपकी, वो आपके घर परिवार को इतना ब्लेसिंग्स दे, आप लाइफ टाइम खुश रहे. यू नो आई कांट इवन लाइक आस्क मोर देन दैट. लाइक यू नो रियली 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 थैंकफुल ऑफ व्हाट यू गाइस हैव डन फॉर मी एंड या दैट्स इट गाइस. हैप्पी नवरात्रि, लव यू ऑल.